आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, देखो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र के रूप में कराया। तो विशाल और विनोद का संबंध पूछा गया हमारे पास। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ओके फ्रेंड, तो हम सबसे पहले देखते हैं रिलेशन। देखो इसमें दिया है विनोद दिया गया है, विनोद और विशाल दिए गए हैं। अब देखो इसमें विनोद ने क्या कहा, इसमें विनोद ने विशाल का परिचय दिया। विनोद ने किसका, विशाल का परिचय दिया अपने पिता, यानी इसका पिता, विनोद का पिता की पत्नी, यानी पत्नी, ठीक है, की पत्नी के इकलौते भाई, यानी ये क्या दे दिया, इसका भाई दे दिया। ओके फ्रेंड, वो भी इकलौता भाई, ठीक है, ये क्या दे दिया, आपस में भाई दे दिया, पत्नी का भाई। ओके फ्रेंड, ये पत्नी के इकलौते भाई, भाई के पुत्र। ओके फ्रेंड, यानी ये भाई का पुत्र है फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये क्या गया, भाई का पुत्र दे दिया गया, तो भाई का पुत्र। ओके फ्रेंड, ये क्या होगा, पुत्र, भाई के पुत्र के रूप में कराया। अब देखो फ्रेंड, ये क्या होगा, पत्नी, और ये क्या हो गया, पत्नी का भाई, ठीक है फ्रेंड, पत्नी का भाई हो गया। अब पत्नी का भाई क्या होता है फ्रेंड, यदि हम देखा जाए पत्नी का भाई, विनोद का संबंध पत्नी के भाई के देखे तो मामा हुआ। ओके फ्रेंड, अब ये मामा का पुत्र हो गया, ठीक है, तो मामा का पुत्र क्या होता है, ममेरा भाई। इस प्रकार हमारे पास ये राइट आंसर होता है फर्स्ट। ओके फ्रेंड, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।